मुरादाबाद में वर्षों से मंदिर की सेवा में अपना जीवन खपाने वाले चित्रराज ओझा के परिवार पर टूटा दुखों का पहाड़। जवान बेटे की मृत्यु का सदमा झेल रहे इस परिवार का दर्द सुनकर भी नहीं पिघले संबंधित जिम्मेदारों के दिल। नहीं हुई मामले की कोई निष्पक्ष जांच। परिवार ने एकमात्र उम्मीद योगी आदित्यनाथ से लगाते हुए इंसाफ की गुहार की है। ज़िला मुरादाबाद में रहने वाला एक ऐसा परिवार जो सालों से ज़िला मुरादाबाद में रहकर मंदिरों की सेवा में अपना जीवन खपा रहा है। हम बात कर रहे हैं श्री चित्रराज ओझा जी की, जिन्होंने अपने पूरे जीवन वर्ष मंदिरों में सेवा दी, मंदिर के पुजारी हैं और पिछले कई सालों से ये कह लीजिए कि अपने पूरे जीवन इन्होंने मंदिर की ही सेवा में गुजार दिया। ऐसे परिवार के साथ एक ऐसी दुखद घटना को अंजाम दिया गया जिसे सुनकर सुनने वालों के दिल और होश दोनों कांप उठेंगे। यहाँ आपको हम बताते चलें कि इनके ही परिवार का, श्री चित्रराज ओझा जी के परिवार के बड़े बेटे जिनका नाम गौरव राज ओझा जी है, लगभग एक साल पहले बताया जाता है कि इनकी हत्या कर दी गई थी, लेकिन उस हत्या के संबंध में आज तक ये पूरा परिवार अलग अलग जगहों पर अलग अलग अधिकारियों से अलग अलग प्रतिनिधियों से मिलकर इंसाफ की गुहार लगा रहा है। लेकिन बड़े ही ताज्जुब की बात है कि एक साल पूरा बीत जाने के बाद आज भी ये परिवार इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आज हम इस परिवार के साथ यहाँ मौजूद हैं, मंदिर में ही हम मौजूद हैं। ये चित्रराज ओझा जी यहाँ मंदिर में पुजारी हैं और पूरा परिवार हमारे साथ यहाँ मौजूद है, उनकी माता जी, उनके भाई, उनकी बहन और पिताजी सभी। आज DIG मुरादाबाद कार्यालय पर इन्होंने एक और प्रार्थना पत्र दिया है, क्योंकि इनके पूर्व में दिए गए सभी प्रार्थना पत्रों पर सुनवाई और कार्यवाही उस तरह से नहीं हो पाई है जिस तरह से होनी चाहिए, क्योंकि हत्या के मामले में यदि हत्यारोपी का नामजद तहरीर और उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है तो उसे सलाखों के पीछे होना चाहिए, लेकिन अब तक आरोपी आज़ाद घूम रहा है। इसी को लेकर परिवार का कहना है कि उनकी शिकायत पर और उनकी इस समस्या पर कोई भी पुलिसकर्मी या जिस संबंधित थाने में FIR हुई है वहाँ के जो इंचार्ज हैं या पुलिसकर्मी हैं वो ना तो जांच में सहयोग कर रहे हैं और ना ही किसी तरह की कार्रवाई कर रहे हैं। अब उन्होंने आज जो प्रार्थना पत्र दिया है उसमें अपने भाई की हत्या के संबंध में जो जांच है वो मुरादाबाद पुलिस को सौंपने के लिए प्रार्थना पत्र दिया है। आज प्रार्थना पत्र देते वक्त DIG मुरादाबाद के समक्ष इनकी क्या कुछ बात हुई या किस तरह का इन्हें आश्वासन मिला या अब तक एक साल के अंदर कितनी जद्दोजहद और कितनी मेहनत इन्होंने इस संबंध में अपनी सुनवाई और इंसाफ के लिए लगाई है, आज हम इसी परिवार से बात करके आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गौरव राज ओझा जी की माता जी से। क्या नाम है आपका माता जी? शांति ओझा। शांति ओझा जी, ये बताइए सबसे पहले तो कि आपके बेटे की जो हत्या का मामला आप हमें बता रही हैं, कितना वक्त इस बात को बीत गया? एक साल बीत गया, 26 तारीख को एक साल हो गया। आज के दिन मेरे बेटे की हत्या हुई है। हम सब जगह हुआ है, गोरखनाथ गए, एकहत्तर रहे, वहाँ पर भी योगी जी नहीं मिले। लखनऊ गए, एकहत्तर रहे, वहाँ पर भी योगी जी नहीं मिले। हमें सुनने में आता है कि योगी जी, मोदी जी अच्छे हैं, मुझे लग रहा है बस एक बार मैं योगी जी से मिलूं, मुझे मिलने का बहुत मन कर रहा है। योगी जी से मिलके मैं अपना सब पूरा बताऊं, योगी जी सुनते हैं नहीं सुनते है, बस अपने दुख ये सब बताऊं। हाँ करें, हमें कुछ नहीं कर रहे हैं ऐसे कह देते हैं उनके जो योगी जी के बॉडीगार्ड हैं जो हैं। हमने बॉडीगार्ड को खुद ही मुरादाबाद में आए थे, योगी जी मुझे 5-7 पुलिस ने पकड़ के बहुत बुरी तरह वहाँ पर ले जा के रख दिया, लेकिन हमारा काम नहीं करा। मैं इतना रोई, इतना चिल्लाई, इतना तड़पी, फिर भी लोग ने मुझे एक बूंद पानी भी नहीं दिया। बहुत बुरी तरह मुझे मेरी सुनाई नहीं दे रहे लोग, हमें बहुत परेशान कर रखा है। मेरा बेटा नेपाल से आते हैं, उसका साला का कहना है रामपुर की पुलिस
गुंडे मिलकर तीन के दो कमरे थे, एक कमरे में बाहर में रहा, अंदर जीजा जी को बेहोश करके पूरे बॉडी पार्ट निकाल के 2 करोड़ में बेचा है। साले के कहना ये है, सच है झूठ है, तुम साले को उठाकर लाओ, पुलिस से मैं कह रही हूँ। तो विनय इंस्पेक्टर ने कहा हम नहीं करेंगे, तुम कितनी ऊपर पहुँच जाओ रद्द कर देंगे, उनका कहना ये है। लेकिन मैं रोती रोती तड़पती तड़पती आ गई, और इसी में जो ट्रेन वाला है वो भी झूठ बोल रहा है। उसने कहा मेरी ट्रेन 3 बजे पहुंचती है, तो नेपाल फोन 1 बजे चले गया था कि गौरव ओझा का मृत्यु हो गया। तो इसमें झूठ बोल रहे सभी लोग, पुलिस भी गुंडे भी, जो साथ में उसके साले के साथ में गुंडा संजीव नाम का था, संजीव नाम का, उसका फ़ोन नंबर भी हमारे पास है। उसने कहा मैं सदानपुर का हूँ, बरेली का हूँ, रामपुर का हूँ, मुरादाबाद का हूँ। लास्ट में पुलिस पकड़ के लाई तो उसने कहा मैं पीलीभीत का हूँ। इतना झूठ बोल रहे हैं ये लोग सब मिले हुए। साला का कहना सच सच लग रहा है मुझे, जब झूठ होता तो ये लोग क्यों साले को उठा के नहीं ला रहे हैं। हमारा कहना कुछ भी नहीं है, साले को उठा के लाओ, इन लोग सुनवाई नहीं कर रहे। आपको क्या लगता है कि इस हत्या के पीछे जो हत्यारोपी है वो कौन हो सकते हैं, जो पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है? पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही, पुलिस साला भी लग रहा है। अब साला के कहने सुनो तो थोड़ा डाउट पुलिस पे भी हो रहा है, जो पुलिस हमें धमका रही थी, जो पुलिस ने वीडियो नहीं बनाया, हमारा तो वीडियो होना चाहिए, फोटो होना चाहिए, पुलिस ने कुछ भी नहीं बनाया, डॉक्टर का फोटो होने चाहिए। जब उसके पास फ़ोन नंबर था, फ़ोन नहीं करा पिता उसके पिताजी का, तो पुलिस ने क्यों नहीं करा? जब उसके पास डॉक्यूमेंट सब थी, बैजनाथ विद्यालय बत्तर बाजार का, तो भी उन्होंने कोई उसका वो नहीं करा। हमें दूसरे दिन 1 बजे बताया, आज रात को 8 बजे मरा हुआ इंसान दूसरे दिन को 1 बजे बताया, पुलिस भी झूठ बोल रही है। हमें तो किसी ने सहायता नहीं दी, DIG के यहाँ मैंने 10-20 चक्कर हो गए, नहीं सुनवाई हुई, और मुझे कहाँ गई कहाँ नहीं गई। किस किस से मिली आपका? सबसे मिली मैंने सबसे हनुमान दल गया, हनुमान दल वाले से मिली, हिंदू समूह गया वहाँ मिली, कहाँ मिली कहाँ नहीं, किसी को नहीं छोड़ा मैंने। मक्खी से लेकर बड़े बड़े इंसान तक मिली, एक योगी से नहीं मिली हूँ। अब योगी क्या करते मुझे कोई कुछ पता नहीं है, अब योगी का भरोसा है, एक बार मिल ले योगी से, देखिए हमें न्याय देते हैं नहीं देते हैं। लग रहा है आपको उम्मीद है कि अगर एक शुभम ओझा जी, जो गौरव ओझा जी जिनके संबंध में आप प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, वो आपके क्या लगते हैं? वो मेरे बड़े भाई हैं। बड़े भाई लगते थे। अच्छा, तो ये बताएं कि अब तक इस संबंध में आप क्या कोशिशें कर चुके हैं और क्या नतीजा आपको कब हासिल हुआ? मैंने बहुत कोशिशें करी हैं, जैसे हम एक प्रोसीजर होता है लेटर देने का, नीचे से ऊपर से ऊपर तक। पहले मैं इंस्पेक्टर के पास गया, वहाँ उस समय जो सबसे पुराने इंस्पेक्टर नाम विनय कुमार था, उस समय उन्होंने कहा कि चलो मैं आगे अब 13वीं करके आइए, तब हम आपका प्रार्थना पत्र लेंगे। तो हमने सोचा कि चलो हमें न्याय मिलेगा, इस मारे हम इंस्पेक्टर के पास गए। फिर उन्होंने इस कला बोले आप कहीं भी चले जाओ, आपकी बात हम नहीं पहुँचने देंगे ऊपर तक। तो वहाँ कुछ हुआ नहीं। फिर हम फिर 1 महीने बाद दोबारा कोशिश करें इंस्पेक्टर के पास गए, फिर तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर हम DM साहब के पास गए, तो उन्होंने वो केस दर्ज करवाया कि हमारी बात सुनी उन्होंने, और तो हमारा जाके केस दर्ज हुआ। उस समय नए इंस्पेक्टर आए थे, उनका नाम है अजय वीर सिंह, उन्होंने वो केस दर्ज करा धारा 302 लगा के। तो हमें जाके हमें लगा कुछ हो पाएगा। फिर आगे शुक्ला जी जो SP थे तब, उस समय फिर उनका ट्रांसफ़र हो गया, उन्हें वो लेटर देने के बाद वो उसके 10 दिन बाद वो ट्रांसफ़र हो गए। फिर दोबारा हमने फिर दोबारा वही कोशिश करा, फिर इंस्पेक्टर के पास गए, फिर हम मिलक के पास गए। कम से कम 4 बार तो हम मिलक पहुँचेंगे, हम 4 मिलक SP के पास तो कम से कम 10 या 15 बार गए। FIR दर्ज कराने की काफ़ी जद्दोजहद, 3 महीने बाद FIR दर्ज हुई है, 3 महीने बाद FIR दर्ज हुई है, वो भी DM सर साहब के कहने के बाद। तब हम पहले फिर हम मिलक जिनके खिलाफ दर्ज हुई उन पर कोई कार्रवाई हुई? कुछ कार्रवाई नहीं, उसे गाड़ी पूछताछ करी कि उसे नेपाल भेज दिया गया, कि बोले ये दोषी नहीं है। ना पुलिस ने वीडियो बनाई लाश की, ना कोई प्रॉपर फोटोग्राफी करी। एक पुलिस का छानबीन क्या होता है कि हाँ जिस दिन आदमी मरा उसके आसपास कौन था, क्योंकि मोदी स्कूल के जस्ट पीछे मेरे भैया की लाश मिली थी, वहाँ कैमरे भी थे, मस्जिद भी था, वहाँ पर बहुत सारे लोग भी थे, कोई छानबीन नहीं, और लाश की प्रॉपर कोई फोटो नहीं, खाली ऐसे लेटर फोटो दे दिया, जो पोस्टमार्टम 24 आवर में होना चाहिए वो भी हमें बिना बताए कर दिया गया। अब चाहे वो ट्रेन का दिखाए, लिखित दिखाए, अगर ट्रेन का आदमी टकराया, आदमी चलो मैं मानता ट्रेन से टकरा गया, तो उसकी जो चोट लगी है वो इतनी गहरे क्यों लगी है? और आदमी
जब ट्रेन से आदमी तो उसको मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि मरने के बाद से लेकर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट तक आपको कुछ भी खबर नहीं? कुछ नहीं खबर थी। आपको कब इस बारे में? मैं गुड़गांव में था उस समय, मुझे पिताजी ने बताया कि तुम्हारे भैया का शेष श्रेष अवस्था में है तो तुम आ जाओ। उसने बताया नहीं मैं, क्योंकि मैं घबरा जाऊँ। फिर मैंने जाके देखा कि मेरे अपने भैया की मृत्यु दिखी और तो मैं सह नहीं पाया थोड़ा। हम डिप्रेशन, हम परिवार लोग सब भी चले गए, हमें पता नहीं क्या करना था। हमने सोचा कि साले ने नहीं मारा होगा, उसमें हाथ तो साले का ही है। जब कोई एक आदमी उसके साथ है, देखो देखने, उनका नाम खगेंद्र जोशी है, वो नेपाल में रहते हैं, अमर बस्ती है और लगता है टाउन इंडिया के बॉर्डर में ही, बिल्कुल ये इंडिया का बॉर्डर है, ये उनका घर है, बिल्कुल बगल में ही है। चाहे तो पुलिस वाले उससे बातचीत करके ला भी सकते हैं, अब उनकी इच्छा है, हम क्या कर सकते हैं। हमने बहुत फोर्स करा, मतलब हम किसके पास नहीं गए, पहले हम इंस्पेक्टर के पास गए, फिर CEO के पास गए, फिर SP के पास गए, तीनों SP जितने भी SP आए सबसे मिला हूँ मैं, सबके मेरे पास नंबर भी आज भी। फिर DIG गए, फिर ADG गए, बरेली भी गया मैं, बरेली जोन भी गया, उसमें प्रधान जी थे। फिर मैं DGP के पास भी गया, फिर मुख्य उपमुख्यमंत्री के आना कैसा मौर्य जी के पास, उनके पास भी लेटर भेजा। फिर हमारे चाचा जी ने एक लेटर दिया, फिर हमारी मानता जी ने लेटर दिया। हम गोरखपुर गए, तिवारी जी मिले जो उनके PA साहब हैं, और वहाँ के जो लखनऊ के PA हैं उनका नाम साहब को रावत, संजय रावत जी, उनसे भी मिले हम, उन्होंने हमारे माता जी ने लेटर दिया। इतनी जगह जाने पर और लोगों, और हमने पोर्टर में डाला, आपको क्या मतलब नतीजा मिला? हमें सरकार से एक दरख्वास्त ये है कि हमारी एक विनती है, हमें न्याय मिल जाए, हम जिसने हमारे भैया को मारा हो उसे पकड़ा जाए और एक साधारण परिवार को न्याय मिलना चाहिए बस। हम एक ब्राह्मण परिवार से सज्जन आदमी है, ना हमें कभी पुलिस के चक्कर लगाने पड़े, जो जिंदगी पहली बार लगाना पड़ रहा है, हमारे भैया की हत्या कर दी गई, तो हम चाहते हैं सबको न्याय मिलना चाहिए। कोशिश करिए मगर निकालने की कोशिश, पुलिस ही पहुंच गए। अच्छा, आपने अपने स्तर पे कोशिश की CCTV के फुटेज चेक? मैं बॉर्डर से निकलवाई कि साला गया था कि नहीं गया था। मैं यहाँ से गोरी फंटा भी गया, जब पलिया है जहाँ से वो होते वहाँ भी गया, वहाँ पर उस समय कैमरा अभियान चल रहा था, मगर वहाँ हमें नहीं मिला कुछ। हमें ये बताया गया कि हम कुछ अभी है नहीं। फिर हम रामपुर गए, हमने खुद कोशिश, पुलिस ने कुछ भी नहीं करा उस समय, जो विनय कुमार है उन्होंने कुछ करने नहीं दिया। रियलिटी बता रहा हूँ ये, मैं अपनी सच में, अगर हम जितने भी वहाँ पंडित थे। क्या लगता है कि आपके इस मामले में क्या कार्रवाई हो सकती है और क्या होनी चाहिए? मेरे हिसाब से जो दोषी है खगेंद्र, जिसके साथ मदद, जो मर्डर देखता है वो भी दोषी होता है उसमें, मुझे लगता है उसी ने मर्डर करा। वो झूठ बोल रहा है कह रहा है, अरे अगर अगर किसी को मारा जाएगा तो वो उसको भी नहीं छोड़ेगा, कोई आदमी सबूत नहीं छोड़ता है चीज़ के लिए। तो उसने उस बेहोश बना नाटक करा, अपने GIG को मार दिया और यहाँ से वो निकल गया, बहाना बना के बोले कि हमने कुछ नहीं करा, मुझे कुछ होश नहीं है। पुलिस ने उसके बाद विश्वास कर लिया कि मुझे कुछ होश नहीं है। अगर उसके पास होश नहीं होता, उसने नेपाल से पैसे मंगाए अपने भैया से पैसे मंगाए, मैंने डिटेल निकलवाई वो, और जिसने पैसे दिए उसको दुकानदार से मैंने बात करी, और जिसने पैसे दिए थे वो एक पीलीभीत का आदमी था, और गुंडा था क्या था मुझे नहीं पता। हमें हमारे माता जी को धमकी भी आई, वो फुटेज भी मैंने शायद FC साहब को दे रखी है अभी तक मैंने ये। आप जब अपने स्तर पे जांच कर रहे हैं तो आपको धमकी आई, दिल्ली से नंबर आया था, दिल्ली से कहीं रोहिणी से नंबर आया था, आई थिंक कोई नंबर था, तो वो मैंने पता करवाया कहीं ना कहीं से। हम किस तरह की धमकियां? हम तुम्हारा एक बेटा है, एक तो बेटा मर गया, दूसरे बेटे को भी मार देंगे हम। बोले मम्मी को धमकी आई थी, ये रिकॉर्डिंग हमने करने वाला, मगर फुटेज हमने ले लिया था। उस समय 2 दिन व्यक्ति थे जब हम धमकी दे रहे थे, ये चीज भी गई, ये हमने धमकी वाली कॉल भी उनको दे रखी है, CEO साहब को भी दी है, SP साहब को दी है, नए पुराने सब SP साहब को दी। अभी जो नए SP आए उनसे हमारी अभी मुलाकात नहीं हो पाई है, DIG साहब से हुई है, मतलब DIG हमने आश्वासन दे रहा है कि आश्वासन उनका ये था कि हाँ कोशिश कर रहे हैं। अभी आपकी बात लखनऊ पहुंची है, अब लखनऊ से आदेश आएगा तो हम आगे करेंगे। अब लखनऊ में क्या समझ में नहीं आ रहा मेरे को, लखनऊ हम कूद गए।